हाथरस में कपासिया गेहूं क्रय केंद्र के नाम पर अवैध रूप से गेहूं की हो रही तुलाई, एसडीएम ने छापा मार गेहूं को किया जब्त। आपको बता दें कि हसायन कोतवाली क्षेत्र के नंगला पटवारी में बताया जाता है, एक गेहूं विक्रेता द्वारा अवैध रूप से गेहूं क्रय केंद्र कपासिया की मिली भगत से एक आम के बाग में सैकड़ों कुंटल गेहूं की तुलाई कराई जा रही थी। सूचना पर पहुंचे एसडीएम सिकंदरा राव के द्वारा मौके पर जाकर छानबीन की गई तो उन्हें वहां तराजू बोरों पर लगाने वाली कपासिया गेहूं की केंद्र का मार्का और लगभग 500 कट्टे गेहूं के मिले। उनके द्वारा गेहूं को जब्त कर तीन व्यक्तियों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है उनसे जंगल में हो रही गेहूं की तुलाई के बारे में पूछताछ की जा रही है। वहीं मौके पर कृषि विभाग और खाद्य विभाग के अधिकारी भी पहुंच गए जो मामले की छानबीन कर रहे हैं। एसडीएम की इस कार्रवाई से अवैध रूप से गेहूं खरीद फरोख्त करने वाले लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं सूत्र बताते हैं कि मामले को रफा दफा करने के लिए सिकंदरा राव क्षेत्र के कुछ सत्ताधिकारी नेताओं के द्वारा अधिकारियों पर दबाव बनाकर मामले को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। हाथरस से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।